सर, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। मेरा गांव के एक फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है पंच पांडव मेलन। तो क्या है फेस्टिवल जानते हैं, मैं उसका वीडियो भी शूट किया हूँ। तो आपको दिखाने से पहले मैं ज़रूर आपको इस फेस्टिवल के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोगों का इस वीडियो को अच्छे से समझ सके। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या है। फेस्टिवल का नाम है पंचू पांडव मेलन। वो पंचू पांडव क्या था? पंचू पांडव आप लोगों ने, जिसे कि आप लोगों ने पता होगा कि पंचू पांडव है पांडव जी का पांच पुत्र, वो है परम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उनको उनका और इस पांच भाइयों का मिलन होता है। मिलन मतलब होता है कि मीटिंग, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर जाते हैं। क्या है, हमारे गांव और आसपास के गांव में पंचू पांडव का मंदिर अवस्थित है। तो साल में एक बार वो आते हैं, मिलते हैं, वो फेस्टिवल आता है। उनका आना के साथ साथ भी और जितना भी गॉड्स है वो भी आते हैं, मिलते हैं। तो ये मिलन होता कैसे? पहले से हमारे गांव में एक मंदिर है, श्री श्री गोपीनाथ देव जी का मंदिर है। वो पहले इनविटेशन पत्र भेजते हैं सभी देवी देवताओं को, जिसका मंदिर मेरा गांव के आसपास है। उस भेजने के बाद उस 3 दिन तक चलता है। पहले दिन में पंच पांडव आते हैं, पांच भाई आते हैं श्री श्री गोपीनाथ देव जी का मंदिर के पास। फिर श्री गोपीनाथ देव जी स्वयं और उस पांच भाइयों को लेकर चलते हैं मीटिंग ग्राउंड पर। वो कैसे लेकर जाते हैं? वो प्रोसेशन के साथ, फ्लावर्स की डेकोरेशन के साथ, विथ बाजा के साथ, लोगों के साथ उसको लेकर जाते हैं मीटिंग ग्राउंड तक। जैसे जैसे वो मीटिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है, उसके बाद सभी देवताओं का आगमन शुरू हो जाता है उस मीटिंग ग्राउंड को। उस मीटिंग ग्राउंड में टोटल कैपेसिटी है 108 देवताओं का बैठने के लिए। तो जैसे जैसे पांच भाई आकर बैठ जाते हैं गोपीनाथ देव जी के साथ, वो फिर सभी देवताओं का आगमन शुरू हो जाता है उस मीटिंग ग्राउंड को। फिर वो पहला दिन का काम ख़त्म हो जाता है। फिर आता है Thank you.
आते हैं, उनको दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जाते हैं, और फिर आता है तीसरा दिन। तीसरा दिन का एंड में जैसे कि सुबह रहे सूर्योदय से पहले पहले ही वो लोग भाग जाते हैं। कैसे भाग जाता है? वो लोग पहले उड़ते हैं, लोगों के साथ होली खेलते हैं, अबीर खेलते हैं, और फिर लोगों भी उनके साथ खेलते हैं, फिर वो वापस में उनके साथ भी खेलते हैं, देवता देवताओं के साथ खेलते हैं, देवता हमारी गोपीनाथ देव जी के पास साथ करते हैं। एक्चुअली क्या है, गोपीनाथ देव जी इस सभा का प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि हमारी इलाका में ये मीटिंग हो रहा है ना, वो सभी को इनविटेशन देते हैं और वो होता है प्रेसिडेंट। तो उनके साथ खेलते हैं और खेलकर सभी लोग वापस की आस्थान में चला जाता है। This video, please like it and share this video to the maximum so that people can get the culture or learn about our traditional Odia cultures, festivals, rituals.
everything, and that's all. And thank you very, very much for watching all this time. धन्यवाद.